और साथ ही साथ इस समझौते के तहत ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर इन मुख्य शर्तों का पालन कोई भी एक पार्टी नहीं करती है तो वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने हंगरी से मुझसे सवाल किया है कि उनके और उनकी पत्नी के बीच में के वैवाहिक विचार मतभेद को लेकर के बहुत सारे केसेस चल रहे थे और आखिर में आपसी समझौते के तलाक पे उनका समझौता हुआ, लेकिन उनकी पत्नी ने आपसी समझौते के तलाक में दिए गए पैसे लेने के बाद बाकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह से आयरलैंड से भी मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल पूछा है कि उनके और उनके पति के बीच में कुछ विवाद चल रहे थे और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे केसेस लगाए हुए थे, फाइल किए हुए थे और अंत में आते आते उन दोनों के बीच में आपसी समझौता हो गया और उन दोनों ने ये तय किया कि वो दोनों आपसी समझौते के तलाक को कोर्ट में फाइल करेंगे, लेकिन उनके पति ने बीच में ही उनको धोखा दे दिया और उन शर्तों को नहीं माना। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ऐसी स्थितियां आप सभी के सामने बहुत बार आती हैं जब आपसी समझौते से एक बार तलाक तो हो जाता है शायद उनके मन में चल रहे कुटिल इरादों के चलते, लेकिन जैसे ही उनको अपना मन माफिक पैसा मिल जाता है लड़कियों को या लड़के जो जबरदस्ती में हाँ भर देते हैं वो बीच में ही उससे मुकर जाते हैं और आपसी समझौते का जो तलाक जिस पर दोनों की एक राय हो चुकी थी वो बीच में ही लटक जाता है अधर में। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अमूमन इस तरह की समस्या बहुत बार देखने को मिलती है, प्रैक्टिकली ये बहुत बार होता है क्योंकि न तो पति न पत्नी इतना परिपक्व होते हैं वो जबरदस्ती किसी न किसी दबाव में आकर के आपसी समझौते के तलाक पे हाँ तो भर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब उनकी ट्यूटरिंग होने लगती है बाहर से तो वो पीछे हट जाया करते हैं। और ये बात पत्नियों की तरफ से बहुत देखने को मिलती है कि जब पत्नी को कुछ एक मुश्त राशि मिल जाया करती है तो वो उस राशि को मिलने के बाद आपसी समझौते के तलाक में या तो साइन करने ही नहीं आया करती है या अगर आ भी जाती है तो वहां से पीछे हट जाती है। आप सभी को यहाँ पर एक खुशखबरी मैं देना चाहूंगी कि एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से 1 मई 2019 को आ चुकी है जिसका काफी सारे लोगों को मालूमात नहीं है कि अब पत्नी अगर आपसी समझौते के तलाक की शर्तों को तोड़ेगी तो वो कोर्ट के अवमानना की दोषी होगी। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। अगर कोई भी पत्नी तो आपसी समझौते के तलाक के लिए दी गई शर्तों को पालन नहीं करेगी या बीच में छोड़ देगी, बीच में पीछे हट जाएगी तो वो भी दोषी होगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में 1 मई 2019 को जो ये लैंडमार्क जजमेंट आया ये केस था प्रवीण सिंह रमाकांत भदौरिया वर्सेस नीलम प्रवीण सिंह के बीच में। इस पति और पत्नी की शादी मई 2018 में हुई थी। इन दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत समय से तनाव चला आ रहा था और आखिरकार पति महोदय ने मुंबई फैमिली कोर्ट में तलाक का केस अपनी पत्नी के खिलाफ दायर कर दिया। इस केस को इटावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया जहां पर ये केस डिसमिस हो गया। इस केस के डिसमिस होने के बाद पति ने इसकी अपील दायर की, ये अपील भी जब खारिज हो गई तो आखिरकार हाई कोर्ट के अंदर पति महोदय फिर दोबारा से गए अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक मांगने के लिए, लेकिन बहुत ही हैरानी की बात हुई कि हाई कोर्ट ने भी इस केस को डिसमिस कर दिया
और आखिरकार पति सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में जब दोनों पक्षों को देखा गया, बातचीत की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को मीडिएशन में रेफर कर दिया समझौता करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में एक म्यूचुअल डिवोर्स के लिए समझौता किया गया। इस समझौते के तहत ये बात सामने आई कि पति अपनी पत्नी को एकमुश्त राशि 10 लाख रुपया देंगे और साथ ही अपनी बच्ची के नाम पर 3 लाख की FD करेंगे 3 महीने के अंदर अंदर, और जब भी बच्ची की शादी होगी तो उस समय वो 1 लाख रुपया बच्ची के नाम पर देंगे। इस समझौते के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये लिखी गई कि पत्नी अपने सभी केसेस वापस ले लेगी। जब इन दोनों पक्षों के बीच में समझौता हुआ तो बहुत सारी शर्तें इसमें रखी गई। उसमें मुख्य शर्त ये थी कि दोनों लोग यानी कि पति और पत्नी अपने अपने केस वापस ले लेंगे नीचे जहां जहां भी उन लोगों ने केस दायर किए हैं। और आपको हैरानी होगी कि इन दोनों के बीच में 6 केसेस निचली कोर्ट्स में ऑलरेडी पेंडिंग थे। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों को अपने ये 6 के 6 केस वापस ले लेने थे। इसी तरह से एक शर्त ये भी लिखी गई कि पत्नी और उसकी बेटी जो कि उस समय 18 वर्ष की थी, वो दोनों मेंटेनेंस कभी भी दोबारा नहीं दायर करेंगी किसी भी केस में। और साथ ही साथ इस समझौते के तहत ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर इन मुख्य शर्तों का पालन कोई भी एक पार्टी नहीं करती है तो वो पार्टी कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की दोषी होगी। आप सभी के सामने भी जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं और जब समझौते तक आप लोग पहुंच जाते हैं तो आपने भी कुछ मुख्य शर्तों का उल्लेख जरूर करना है जब भी आप MOU बनाए। मैंने MOU के लिए बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं, उन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जरूर 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 देखिएगा। आप सभी के सामने भी ऐसी परिस्थितियां जरूर आती होंगी कि जब अगर पैसे पति देने के लिए तैयार है और पत्नी लेने के लिए तैयार है तो क्यों ना उस सारे के सारे टेंशन को एक आपसी सहमति के तलाक यानी कि म्यूचुअल कंसेंट म्यूचुअल डिवोर्स के द्वारा खत्म कर लिया जाए। अगर पति पैसे देने के लिए तैयार है तो म्यूचुअल कंसेंट के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो MOU में जो आपने सबसे पहली बात लिखनी है कि पत्नी सो एंड सो जो केसेस फला 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 कोर्ट में पेंडिंग है इस समय भी, पैसा मिलने के बाद वो ये सारे केसेस अपने वापस ले लेगी या कब कब लेगी, ये सारी बातों का उल्लेख होना MOU में बहुत बहुत जरूरी है। इसी तरह से ये भी लिखा जाना बहुत जरूरी है कि क्योंकि एकमुश्त राशि यहाँ पर आपसी समझौते के तहत दी जा रही है और म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स के बाद पत्नी या उसके बच्चे किसी भी तरह का मेंटेनेंस का केस उप पति या अपने पिता के खिलाफ नहीं करेंगे। इसी तरह से ये बात भी लिखी जानी बहुत जरूरी है कि कोई भी पति पत्नी इस समझौते के बाद एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह का पारिवारिक मुकदमा नहीं करेगा, यानी कि फैमिली कोर्ट में इस शादी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं करेगा। और एक शर्त ये भी लिखवाई जानी बहुत जरूरी है कि अगर, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पति या पत्नी अपने आप में बहुत ज्यादा चालाक बुद्धि बनते हैं और वो दूसरे पक्ष को ये बताते ही नहीं कि सो एंड सो केस इस कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि दूसरी कोर्ट तक संबंध ही नहीं पहुंचा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये लिखवा लेना बहुत जरूरी होगा कि अगर इस समझौते के बाद तलाक होने के बाद या इतने समय के बाद कोई भी केस किसी भी कोर्ट में पेंडिंग पाया गया तो वो 0 घोषित कर दिया जाएगा। तो ये थी लैंडमार्क जजमेंट प्रवीण सिंह रमाकांत भदौरिया वर्सेस नीलम प्रवीण सिंह के बीच में जो कि केस हुआ था। आप सभी लोगों को इस केस से बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि अगर उस पत्नी ने, उस चालाक पत्नी ने किसी भी एक शर्त का पालन करने से मना कर दिया, पैसे ले लिए और तलाक के लिए साइन करने के लिए आने से मना कर दिया, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दोषी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल पहलू पर आधारित है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा ताकि इसी तरह के
लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।